गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने राउल्स लॉ को डिस्कस किया था आज के लेक्चर में हम लोग आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिफाइन करने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशंस इसके बारे में अगर आपसे ईजी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आपसे इससे डिफरेंस पूछ सकते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडरेट किया जाए तो इसके एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि ये एग्जाम्पल जो है वो आपका आइडियल सोल्यूशन का है या फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन का है तो इन सबको जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस होंगे क्या वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस तो चलिए आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन टॉपिक को हम टैबुलर फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं जहां पे दोनों के बीच हम डिफरेंस को इजीली देख लेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं एक तरफ आइडियल सॉल्यूशन एंड अनादर वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेफिनेशन जो है वो इन दोनों की आपकी बेस्ड रहेगी राउुल से लो पर तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा आपका सच टाइप ऑफ सोल्यूशंस विच ओबे राउल स्लो ठीक है वो सारे सोल्यूशन जो आपके राउल स्लो को ऊबे करते हैं राउल स्लो को फॉलो करते हैं वो सभी सोल्यूशन किसमें कंसिडर किए जाएंगे आइडियल सोल्यूशन में मीनस हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दियर मोल फ्रैक्शंस ये हमने राउल्स लो को पढ़ा था तो इसका मतलब यही हुआ कि वो सारे सोल्यूशंस जिनमें वेपर प्रेशर जो है वो आपका डायरेक्टली प्रपोर्शनल हो उन्हीं के मोल फ्रैक्शंस के तो इसका मतलब वो सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन हुआ आपका आइडियल सोल्यूशन हुआ यानी कि पी ए जो होगा वो इक्वल होगा पी नोट ए जाए ए के एंड पी बी जो है वो इक्वल होगा पी बी नॉट जाए बी के ठीक है यानी कि पी ए इज प्लस पी बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा पी टी के ये अगर आपकी कंडीशन बन जाती हैं आपके पास इट मीन्स यहाँ पे आपका वो सोल्यूशन कैसा होगा आइडियल सोल्यूशन होगा ठीक है तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर कि वो सारे सोल्यूशंस सॉल्यूशन solution का मतलब हो गया यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूट प्लस सॉलवेंट वो सारे सोल्यूशंस जो राउट्स लॉ की कंडीशन को फॉलो करते हैं वो सारे सोल्यूशंस कैसे होंगे आपके आइडियल सोल्यूशन होंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा कि नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या होंगे वो सॉल्यूशंस जो आपके राउट्स लॉ को फॉलो ना करें या उनके ओबे ना करें वो सॉल्यूशन्स होंगे आपके नॉन आइडियल सोल्यूशंस ओके तो देखिए सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस च डू नॉट ओबे राउल्ड स्लो जो राउल्ड स्लो को फॉलो नहीं करते हैं ऐसे सॉल्यूशन जो है वो आपके कहलाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी कंडीशन जो है वो हमारे पास ये होनी चाहिए कि पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नोट ए जाए ए यहाँ पर होगा ये नॉट इक्वल टू ठीक है अगर ये इक्वल टू होता है इसके तो हम सीधे सीधे कह देते हैं कि राउल स्लो को फॉलो कर रहा है इसका मतलब आइडियल सोल्यूशन है यहां पे इसके इक्वल नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये राउल स्लो को फॉलो नहीं कर रहा इट मीन क्या सॉल्यूशन हो गया आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया एंड कंपोनेंट बी इज आल्सो नॉट इक्वल टू पी नॉट बी बी ठीक है तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जो राउल स्लो को फॉलो करता हो वो सॉल्यूशंस आपके आइडियल सॉल्यूशंस है जो राउल स्लो को फॉलो ना करें वो सोल्यूशन कैसे आपके नॉन आइडियल सोल्यूशंस है पॉइंट नंबर टू पर डिस्कस करने वाले अपन कि कितने हम आइडियल सोल्यूशंस कहेंगे देखिए ध्यान से डेल वी मिक्सिंग यानी कि जो भी कंपोनेंट को हम मिक्स कर रहे हैं जिससे हम क्या बना रहे हैं सॉल्यूशन सॉल्यूशन किससे बनेगा हमें पता है जब हम सोल्यूट को सॉलवेंट से मिक्स करते हैं तो जब भी हम मिक्स करते हैं इनके वॉल्यूम को तो उनके वॉल्यूम में मिक्सिंग जो है वो इक्वल होनी चाहिए किसके ज़ीरो के यानी कि वॉल्यूम जो है वो ना ही तो आपका इंक्रीज हो और वॉल्यूम ना ही क्या हो आपका डिक्रीज हो कब जब इसे हम आपस में मिक्स करें यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है मान लीजिए आपके पास सोल्यूट कितना है फाइव एम है और सॉल्वेंट जो है वो कितना है आपके पास मान लीजिए फिफ्टी एम है ठीक है तो इन दोनों को कंपोनेंट को मिक्स करने पे हमारे पास क्या बनेगा बच्चों हमारे पास बनेगा सॉल्यूशन और इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना आना चाहिए 55 फाइव हमारे पास आना चाहिए तो सीधे सी मतलब क्या हुआ यहाँ पे सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब भी हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो इनके कंपोनेंट्स में ना ही तो कोई एसोसिएशन होगा यानी इनके मोलिक्यूल्स ना ही तो आपस में कोई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे ना ही इनके बीच में कोई डिसोसिएशन होगा ठीक है जिससे दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने पे इनके वॉल्यूम में कोई भी चेंज आपको दिखाई नहीं देगा तो हम क्या बोलेंगे जब भी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करेंगे तो इनके वॉल्यूम में चेंज यानी किस में चेंज वॉल्यूम में डेल वी चेंज इन वॉल्यूम वो कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए ठीक है यानी जितने वॉल्यूम को हम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं उतना ही वॉल्यूम हमारे पास फाइनल आ जाए इसका मतलब सीधा सा हो गया कि हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा होगा आइडियल सोल्यूशन होगा ठीक है यही बात करें अगर नॉन आइडियल के बारे में तो क्या बोलेंगे कि यहां पर चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग जो होगी आपके पास वो नॉट इक्वल टू क्या हो जीरो हो हो समझ रहे मेरी बात को यानी यहां पर अगर अपन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम में क्या आएगा चेंज आएगा क्या आएगा चेंज आएगा वो चेंज कितने का भी हो सकता है मान लीजिए वन एम का हो सकता है या उससे भी कम का हो सकता है लेकिन हमें लगता है कि 5 प्लस फिफ्टी तो 55 फाइव एम नहीं होगा वो फिफ्टी भी हो सकता है वो 45.5 भी हो सकता है ठीक है कुछ ना कुछ सॉरी 54.5 भी हो सकता है कुछ ना कुछ चेंज आपको क्या मिले वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम में चेंज मिले और वो चेंज कैसे हो सकता है आपको बच्चों समझा देता हूँ मैं वो चेंज ऐसे हो सकता है कि जब भी सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके या तो एसोशिएट हो जाए या फिर डिसोशिएट हो जाए तो उनके वॉल्यूम में कहीं ना कहीं चेंज आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो मिक्स करने पर उनके वॉल्यूम में अगर चेंज क्या हो जीरो के इक्वल नहीं हो तो इसका मतलब वो सोल्यूशंस कैसा आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन है ठीक है तो समझ गए मेरी बात को दोनों पॉइंट आपको क्लियर हैं कि वो सोल्यूशन जो आपके डाउट्स लोग को फॉलो करें और वो सोल्यूशंस जिनमें दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने पर उनके वॉल्यूम में कोई भी चेंज ना आए वो सॉल्यूशंस आपके आइडियल सॉल्यूशंस होंगे और जो आपके लॉ को फॉलो नहीं करते हो और जिनमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करने पर वॉल्यूम में जो चेंज है वो आपका जीरो के इक्वल नहीं हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को आप क्या बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बोलेंगे फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे डिस्कस करते हैं चलिए हो गया देखिए हम अब डिस्कस करेंगे अपने पॉइंट नंबर थ्री और फोर को चलिए देखिए पॉइंट नंबर थ्री जो हमारे पास होगा आइडियल सॉल्यूशन का वो देखिए क्या होगा डेल एच मिक्सिंग जो होगी वो इक्वल टू क्या हो जीरो मतलब मतलब ये कि चेंज इन एनथेल्पी क्या हो इज इक्वल टू जीरो मींस हीट ना ही तो क्या हो आपकी एब्जॉर्ब हो नोर हीट ना इधर एब्जॉर्ब नॉर इमिटेड मतलब मतलब ये है कि जब भी हम किसी सोल्यूट में सॉल्वेंट को मिक्स करें ठीक है तो वहाँ पर जब भी दोनों कंपोनेंट को मिक्स किया जाएगा तो ना ही तो हीट आपकी इवोल्ड होनी चाहिए और ना ही हीट आपकी एब्सॉर्ब होनी चाहिए मतलब सॉल्यूशन ना ही तो थोड़ा कूल cool डाउन होना चाहिए ना ही थोड़ा हीटअप होना चाहिए तो अगर ऐसा होता है तो वो सॉल्यूशंस कैसा आपका आइडियल सोल्यूशन है यानी जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं अभी भी सॉल्यूशन आपका टेम्परेचर उतना ही मेंटेन करे उसमें किसी तरह की कोई हीट इमिट नहीं हो बाहर नहीं निकले हीट इवोल्व ना हो और कोई भी हीट वहां पे एब्जॉर्ब ना हो यानी कि सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करने पर उनकी चेंज इन एंथेलपी कितनी हो जीरो हो कोई तर, किसी तरह का चेंज आपके एंथेलपी में हीट में ना आए ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे बेटा आइडियल सोल्यूशन वहीं पे अगर बात करें नॉन आइडियल सोल्यूशन की तो वहां पे क्या बोलेंगे कि अगर आपकी चेंज इन हीट जो है वो नॉट इक्वल टू क्या हो जीरो हो क्या हो नॉट इक्वल टू जीरो यानी यहां पर चेंज इन एंथेलपी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए यानी या तो हीट आपकी इवोल्ड होगी जब भी हम सोल्यूट में सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे ठीक है जब भी हम सोल्यूट के साथ में सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो वहां पर जो सोल्यूशन बनेगा उसमें आपका या तो हीट क्या होगा इवॉल्ड होगा या फिर हीट क्या होगा आपका एबजॉर्ब होगा ठीक है यानी या तो सोल्यूशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका हॉट हो जाएगा या नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाएगा कूल cool डाउन हो जाएगा तो ये कहलाएगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन ठीक है तो चेंज इन एंथेलपी अगर आपका जीरो है तो नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा और चेंज इन एंथेलपी अगर आपका क्या है मिक्स करने पर नॉट इक्वल टू जीरो तो आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा नेक्स्ट बात करें तो क्या बोलेंगे सच सॉल्यूशंस विच हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट सच सॉल्यूशंस इन विच इन विच सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट इज प्रेजेंट इस बात का मतलब समझिए जब भी हम किसी सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो जब सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें आपके जो कंपोनेंट मिक्स किए जाते हैं कौन से सोल्यूट एंड सोलवेंट उन कंपोनेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आपकी सिमिलर है तो वो किस तरह का सोल्यूशन बनाएंगे आपका आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे जैसे जैसे देखिए आप N यहां मैं आपको दे रहा हूं ठीक है प्लस एन हेप्टेन ठीक है दोनों को देख लीजिए दोनों के दोनों आप ये क्या है दोनों के दोनों आपके हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक हेगजेन है और एक आपका हेप्टेन है, है. तो इन दोनों कंपोनेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो कैसी होगी बच्चों सिमिलर होगी जब सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होगी तो उनको जब मिक्स करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा आइडियल सोल्यूशन ठीक है यहां पर इसका जस्ट लिख दीजिए अपोजिट ठीक है यहां पर लिखेंगे अनसिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यानी जो भी कंपोनेंट आप मिक्स कर रहे हैं जिससे आपके पास क्या बन रहा है सॉल्यूशन बन रहा है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से वो दोनों ही उन दोनों कंपोनेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट होती हैं तो बनने वाला सोल्यूशंस क्या बनेगा आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन इसका एक एग्जाम्पल बच्चों फटाफट से देख लीजिए जैसे कि इथेनॉल प्लस मीथेनॉल जैसे क्लोरोब्यूटेन प्लस ब्रोमोब्यूटेन तो ये वो सारे एग्जाम्पल्स हो गए जहां पे आपकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी कंपोनेंट्स की सिमिलर होंगी जबकि इसमें मैं कह दूं एक तरफ तो आपको एल्कोहल एक तरफ आपको दे दिया जाए क्या एनिलीन एक तरफ आपको दे दिया जाए क्लोरोफोम एक तरफ आपको दे दिया जाए क्या बच्चों एसीटोन इस तरफ भी चाहे तो आप एसीटोन लिख लें ठीक है तो एक तरफ कीटोन है एक तरफ आपका अमीन ग्रुप है एक तरफ क्लोरोफॉर्म है एक तरफ आपका अगेन कीटोन ग्रुप है तो ये दोनों कंपोनेंट्स जो है इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बच्चों डिफरेंट होंगी तो इनके मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो ये तो थे एग्जांपल्स या डिफरेंस आपके देखने हैं तो आपको आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूश के बीच में आपको ये फोर बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है वो सोल्यूशन जो आपके राउुल को फॉलो करते हो जिनमें कंपोनेंट्स को मिक्स करने पे वॉल्यूम में चेंज ना आए जिनमें कंपोनेंट को मिक्स करने पे उनकी एनर्जी एंड थेल्पी में भी किसी तरह कोई चेंज देखने को ना मिले जिन कंपोनेंट को मिक्स करके आप सॉल्यूशन बना रहे हैं वो सॉल्यूशंस की उन कंपोनेंट्स की अगर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं तो ये सारे सोल्यूशंस क्या बनाएंगे आपके आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे जबकि इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस क्या बनाएगा आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर देगा तो ये फोर डिफरेंस आप एग्जाम्पल के साथ देखें तो फाइव डिफरेंस आपके पास में यहाँ पे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस के बीच बन जाते हैं ठीक है कर लेंगे इसमें एग्जाम्पल्स का बहुत ध्यान रखना आपको कि किस तरह के एग्जाम्पल्स आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे और किस तरह के नॉन आइडियल ध्यान रखें जिन कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं वो अगर आपके सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के हुए तब तो वो क्या बनाएंगे आइडियल और अगर डिफरेंट हुए तो क्या बनाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन कर देंगे फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके बाद में हम फर्दर नॉन आइडियल सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे ये कितने टाइप का होता है और क्या क्या होता है आपके पास ठीक है चलिए स्टार्ट कीजिए फटाफट से स्क्रीन लीजिए हो गया चलिए देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन को चलिए अब यहां पर अपन देखेंगे किसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी आपका दो टाइप का होता है एक होगा आपका पॉजिटिव डेविएशन और एक हो जाएगा आपका नेगेटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन कैसे आप देखिए अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा जब हम किन्हीं भी टू कंपोनेंट सोल्यूट प्लस सॉलमेंट को मिक्स करके हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो हमने पढ़ा कि वॉल्यूम में चेंज आएगा या तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा लो होगा या वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा उस बिहेव पर आपके सॉल्यूशन दो टाइप के हो गए पॉजिटिव या नेगेटिव डिविएशन हमने कहा कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करने पे सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास में और अगर ऐसा बनता है नॉन आइडियल नोल्यूशन होता है वो तो उसमें चेंज इन एनथेलपी भी आपकी होगी मीन्स या तो वो एंडोथर्मिक होगा या फिर वो आपका एक्जोथर्मिक होगा या तो हीट इवोल्ड होगी या एब्जॉर्ब होगी हीट इवोल्ड होगी कि एब्जॉर्ब होगी उस बीओ पे अगेन हमने कहा कि ये दो टाइप का हो सकता है पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन समझ रहे हो ठीक है अगर हम बात करते हैं बेटा देखो एक बार हो मैं आपको एक पॉइंट और डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे बता देता हूँ आपको मान लीजिए आपके पास में ए क्या है सॉल्वेंट है मैं आपको यहाँ एक बात बता रहा हूँ ठीक है ये पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हैं अपने आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस के डिफरेंस में एक और डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर बता देता तो, हूँ कि एक कंपोनेंट हमारे पास में ए है क्या है आपका वो सॉल्वेंट है एक कंपोनेंट हमारे पास बी है वो क्या है आपका सॉल्यूट है हमने क्या कहा कि हम इन दोनों कंपोनेंट को जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा क्या बनेगा सॉल्यूशन बनेगा ठीक है समझ गए अब इसमें होता क्या है सॉल्वेंट के हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं तो जहां पे इंटरेक्शन जो होता है वो ए ए पार्टिकल्स के बीच होता है बोला समझिए हमारे पास में एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने क्या रखा हुआ है सॉल्वेंट। तो इसमें कंपोनेंट सॉल्वेंट जो है उसको अपने ए मान लिया अब इसके अंदर हमें पता है कि ए के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे इंटरैक्शन जो होगा वो ए का ए के साथ ही तो होगा ठीक है वहीं पे हमारे पास एक कंटेनर बी है जिसके अंदर हमने क्या लिया सोल्यूट लिया है तो इसमें केवल सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं यानी के पार्टिकल्स हैं तो यहाँ इंटरेक्शन किसके बीच होगा बी और बी के बीच तो होगा नो डाउट ठीक है तो सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन को हम बोलेंगे ए ए इंटरक्शन सोलवे सोल्यूट बी का बी से इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे बी के बी के साथ इंटरेक्शन तो ए इंटरक्शन बी बी इंटरेक्शन हो गया अब क्या हुआ अब ये हुआ हमने इस कंटेनर को इस कंटेनर से मिक्स कर दिया यानी ए को बी के साथ मिक्स किया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को तो हमारे पास क्या बना हमारे पास सॉल्यूशन बन गया तो इस बार जो हुआ कंटेनर जैसे मिक्स किया तो इस बार हमारे पास एक न्यू इंटरेक्शन जनरेट हो गया क्या हो गया बच्चों ए का इंटरेक्शन बी के साथ यानी थर्ड इंटरेक्शन जो हो गया हमारे पास ए का इंटरेक्शन बी के साथ अब हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ही है कि आइडियल सोल्यूशन वो होगा जहाँ पे कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा कोई हीट में चेंज नहीं आएगा जब भी इन दोनों को अपन क्या करेंगे मिक्स करेंगे तो जब कुछ चेंज ही नहीं आएगा इसका मतलब जो इंटरेक्शन ए का ए के साथ था जो इंटरेक्शन बी का बी के साथ है वही इंटरेक्शन अब ए का बी के साथ भी होने वाला है ठीक है इसका मतलब इंटरेक्शन बिटवीन ए ए पार्टिकल्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन बी बी पार्टिकल्स इज इक्वल टू इंटरेक्शन बिटवीन ए बी तो इसका मतलब ये सोल्यूशन कैसा हुआ बच्चों आइडियल सोल्यूशन हुआ कैसा हुआ आइडियल सोल्यूशन हुआ समझ गए ना मेरी बात को कि जब इंटरेक्शन ए ए पार्टिकल का बी बी पार्टिकल के साथ ए बी के साथ जो न्यू इंटरेक्शन बन रहा है उसके भी इक्वल आ जाए किसी तरह कोई चेंज नहीं आए यानी कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आए कोई हीट में चेंज नहीं आए तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन हुआ राइट बट अगर ए ए पार्टिकल के बीच में जिस तरह का इंटरेक्शन है आपका स्ट्रोंग हो चाहे वो वीक हो और बी बी इंट्रैक्शन जो है आपका वो अगर न्यू इंट्रैक्शन ए बी के इक्वल नहीं आता है समझ रहे हो ना कुछ ना कुछ उसमें चेंज आता है या तो वो वॉल्यूम का होगा वो आपका हीट का भी होगा कुछ ना कुछ चेंज आया ये अगर इसके इक्वल नहीं हुआ तो वो सोल्यूशन आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं अपने डिफरेंस आइडियल और नॉन आइडियल में क्या बोलेंगे वहाँ पे इफ़ इंटरेक्शन बिटवीन ए ए पार्टिकल्स एंड बी बी पार्टिकल्स इज इक्वल टू द ए एन बी पार्टल दोल्यूशन बिकम आइडियल सोल्यूशन एंड इफ इंटरक्शन बिटवीन ए ए पार्टिकल एंड बी बी पार्टिकल इज नॉट इक्वल टू ए बी देन इट इज कंसिडर्ड एज नॉन आइडियल सोल्यूशन ये हम वहां पर डाल सकते हैं डिफ्रेंस में ठीक है बट अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर ये दोनों इसके इक्वल नहीं है तो इसका मतलब दो ही बातें आएंगी ना हमारे पास में या तो ये इंटरैक्शन क्या होगा ए और ए का इंटरेक्शन बी और बी से क्या होगा ज्यादा होगा इनका किस से ए बी से ठीक है समझ रहे हो या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी बी इज लेस देन इंटरेक्शन बिटवीन ए बी तो अगर इक्वल नहीं है तो उस केस में दो ही केस होगा या तो इनसे कम होगा या इनसे हाई होगा तो उस केस के बिहेव पर भी हम कह सकते हैं कि दो टाइप का होगा पॉजिटिव डेवियशन एंड नेगेटिव डेविएशन तो मैं आपको समझा रहा था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को हम फर्दर टू पार्ट्स में और डिवाइड क्यों कर रहे हैं क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास में दो कंडीशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई हैं कि या तो हाई है या लो है या तो वॉल्यूम में चेंज लो है या हाई है या एंथेल्पी में चेंज हाई है या लो है या तो एंडो है या एक्जो है ठीक तो है या तो इंट्रेक्शन वीक है या इंटरेक्शन से ज़्यादा है तो इस बीओ पे हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव अब पॉजिटिव वर्ड का मतलब समझ रहे होंगे साफ साफ कि जो चीज़ आपकी ज़्यादा हो क्या हो मोर हो हाई हो नेगेटिव का मतलब भी समझ रहे होंगे जो तो चीज आपकी लेसर अमाउंट में हो लेस हो तो यहां कहेंगे हम सबसे पहला पॉइंट क्या एफ इंटरैक्शन और मॉलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन ए ए पार्टिकल एंड बी बी पार्टिकल इज ग्रेटर देन ए बी क्या कहा हमने कि न्यू इंट्रैक्शन जो हमारे पास बनेगा ए और बी के बीच वो अगर आपका लोअर है किस से एंड बी बी से तो वो आपका कैसा डेविशन हुआ पॉजिटिव डेविशन हुआ तो नेगेटिव की डेफिनेशन आसान है क्या है कि जब ए पार्टिकल एंड बी बी पार्टिकल के बीच इंट्रैक्शन जो है वो आपका क्या हो लोअर हो किस से ए और बी से जबकि यहाँ क्या, क्या कह दिया ने कि इंट्रैक्शन बिटवीन ए ए एंड बी बी पार्टिकल इज ग्रेटर दैन ए बी अगर ये केस बनता है तो वो आपका जो डेवियशन आएगा वो होगा आपका पॉजिटिव अगर ये केस बनता है तो डेवियशन कैसा आएगा आपका नेगेटिव आएगा यहाँ पर समझ गया मेरी बात को चलिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं देखो ये चीज़ें अभी तो मैंने आपको औरली बता दी है कि हाँ ये ऐसा ऐसा हो सकता है ऐसा ऐसा हो सकता है बट ये चीज़ कैसे हो सकती है वो चीज़ को अपन औरली देख लेते हैं फटाफट से इसको देखिए हमने एग्जाम्पल लिया एच टू ओ वाटर प्लस इथेनॉल का ऑब्वियसली वाटर एंड इथेनॉल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं इसका मतलब इनसे बनने वाला सोल्यूशन नॉन आइडियल ही होगा ये हमें पहले समझना है ठीक है क्या है ये नॉन आइडियल सोल्यूशन बनेगा ठीक है लेकिन अब बात कर लेते हैं कि वाटर को मान लेते हैं पर मान लीजिए ए और इथेनॉल को मान लेते हैं क्या बी हमने पढ़ा हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या नहीं होती यस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशन हमारे पास में होनी चाहिए इलेवंथ क्लास में हम पढ़ चुके हैं एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपका हाई इलेक्ट्रोनिव हो और स्मॉल इन साइज हो और दूसरी तरफ आपका हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए तब आप इनके बीच में क्या बनती है एक वीक इंट्रैक्शन जनरेट होती है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वाटर के मोलिक्यूल जो है ए ए पार्टिकल्स उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है यानी इनके बीच इंटरेक्शन ऑलरेडी कैसे हैं स्ट्रोंग है इथेनॉल की बात करें यानी एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल के अंदर भी आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एच बॉन्डिंग तो इसका मतलब बी के बी पार्टिकल के साथ में इंटरेक्शन भी कैसे हैं स्ट्रोंग है लेकिन जब वाटर को आप मिक्स कर देंगे किसके साथ एल्कोहल के साथ जैसे ही मिक्स करेंगे तो इनकी जो बॉन्डिंग्स हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी इसका मतलब इसका मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को हम मान लेते हैं ए और एल्कोहल को मान लेते हैं बी तो ए ए पार्टिकल का आपस में इंटरेक्शन पहले से ही कैसा है स्ट्रॉन्ग है यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलरेडी इनके बीच है एल्कोहल का एल्कोहल के साथ में भी ऑलरेडी इंटरेक्शन कैसा है स्ट्रॉन्ग है यानी कि ए ए पार्टिकल बी बी पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन मोलिकल अट्रैक्शन फोर्सेस कैसे हैं स्ट्रोंग है कंपेयर टू न्यू इंटरेक्शन ए और बी के लेकिन जब भी हम वाटर और एल्कोल को मिक्स करेंगे तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग धीरे धीरे ब्रेक होगी इसका मतलब जो न्यू इंटरेक्शन बना ए और बी के बीच वो कैसा हुआ वीक हुआ यानी ये कंडीशन हमारे पास आ गई इसका मतलब ये एग्जाम्पल जो किसका आ गया आपका पॉजिटिव डेविएशन का इस एग्जाम्पल समझा आप बड़ा आसान है देखिए हमने लिया क्लोरोफॉम इसको मान लिया कंपोनेंट ए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मला आपको पता होगा सी एच सी एच सी एल थ्री

बात करें एसिटोन की इसको मैं मानना था बी तो जब मैं एसिटोन की रिएक्शन एसिटोन से ही करवाऊंगा तो इसमें हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है अपने पास में तो यहाँ भी इंटरेक्शन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इतना स्ट्रॉग नहीं होगा लेकिन जब हम ए को बी के साथ में इंट्रैक्ट करवाते हैं यानी कि क्लोरोफॉर्म को एसिटोन के साथ तो देखिए बच्चों इसके पास में ऑक्सीजन है जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल साइज का है और इसके पास में हाइड्रोजन अवेलेबल है तो इनके बीच क्या बन जाएगी हाइड्रोजन एस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जबकि ऑलरेडी वो थे वीक तो इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन आ गई तो मतलब कौन सा डेविएशन हो गया आपके पास नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा आपके पास बात समझ में आती है आपको कि जब भी आपका न्यू इंटरेक्शन जो बन रहा है ए और बी पार्टिकल्स के बीच वो अगर आपका वीक हुआ इसका मतलब वह पॉजिटिव डेविएशन है और ये न्यू इंटरेक्शन अगर आपका मोर है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन या पहले से जो इंटरेक्शन है तब आपका डेविएशन कैसा हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन आपके पास आ जाएगा तो फटाफट से इसका स्क्रीन ले लीजिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं इसके अंदर देखिएगा एनिलीन प्लस एसेटोन ठीक है एसीटोन में आपका सी डबल बॉन्ड ओ होगा जबकि एनिलीन में आपके पास में क्या होगा जिन के साथ एन एस टू होगा ठीक है तो यहाँ पे भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी तो न्यू इंट्रेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा आपका ठीक है तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब आपके पास में ए बी वाला यानी कि न्यू इंट्रेक्शन में अगर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है या एनी अदर इंट्रेक्शन बन रहे हैं तो इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग ए बी हुआ उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है तो बच्चों यहां से बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं कोई भी पूछ लेगा आपसे किस तरह का क्वेश्चन बनेगा जो आपका मॉडरेट टाइप का होगा कि क्लोरोफ्लो प्लस एसिटॉन वन मार्क्स का क्वेश्चन इजीली बन जाता है क्लोरोफॉर्म प्लस एसिटॉन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन आइडियल नॉन कुछ भी पूछ सकता है आपसे ठीक है वहाँ पर आपको फोर ऑप्शन दिए होंगे ठीक है ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सी बी एग्जाम में आजकल जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है उसके अंदर आपके एम सी क्यूज़ फिलिंद द ब्लैक्स इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो उसमें आपको वन मार्क्स का क्वेश्चन ये ईजिली अवेलेबल हो सकता है ठीक है ये पूछ सकते हैं अल्कोहल प्लस वॉटर जो है वो आपका किस टाइप का एग्जाम्पल है आइडियल सॉरी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है तो आपको उसको देख लेना है ठीक है तो फटाफट से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसके बाद कंटिन्यू करते हैं सेकेंड पॉइंट पे चलिए देखिए पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं क्या पॉजिटिव डिवेशन क्या होगा जब आपका पी ए या कंपोनेंट पी बी ग्रेटर होगा किस से पी नोट ए एन जय बी से हमने ये नॉन आइडियल सोल्यूशन में देख लिया था कि जो राउट्स लोग को फॉलो ना करे यानी नॉट इक्वल टू हो तो वो होंगे आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन अब इक्वल टू नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ग्रेटर होगा या फिर लोअर होगा तो अगर आपका ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी राउट्स लो जो कहता है उससे अगर आपका हायर शो होता है हाई अमाउंट में शो होता है ठीक है तो इसका मतलब ये कौन सा डेविएशन हो गया आपका पॉजिटिव डेविएशन हो गया ठीक है और अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर एंड कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो आपका लेस होगा किससे पी नॉट ए जाए ए से एंड पी नॉट बी जाय से ठीक है समझ गया मेरी बात को अब मैं आपको फटाफट से एग्जाम्पल समझा देता हूं जो हमने ग्राफ लिया था वो देख लीजिए एक बार ये चीज आपको यहां से समझ में इजीली आ जाएगी हमने ग्राफ लोड किया था राउल स्लो के अंदर जहां पे जाय ए इज इक्वल टू वन और जाय इक्वल टू जीरो रखा था यहाँ रखा था जाय ए इज इक्वल टू जीरो इधर हमने लिए थे मोल फ्रैक्शन ठीक है यहां पे हमने लिए थे क्या वेपर प्रेशर आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू लॉ, जो सॉल्यूशन राउल्ट लो को फॉलो करता है वो सॉल्यूशन कैसा था आपका आइडियल सॉल्यूशन, तो वो आपका ये ग्राफ लोड करता है ये हमने देखा था यहां पे आपके पास आता है पी नोट ए यहां पे आता आपका पी नोट बी तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए जाए ए यहाँ पर पढ़ा था हमने सॉरी पी बी राइट और यहाँ पढ़ा था पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए जाय ए और यहाँ हमने पढ़ लिया था डॉल्टन के अकॉर्डिंग पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी ये ग्राफ जो है वो किसका बना ये बना राउल्ट्स लॉ के लिए जब कोई भी सोल्यूशन आपका कैसा हो आइडियल हो बट यहाँ तो ये यह आइडियल नहीं है यहाँ तो आपका क्या सोल्यूशन है नॉन आइडियल जहाँ पे ये इक्वल नहीं होंगे और इक्वल नहीं होंगे उसमें भी हमने क्या कहा कि आपका ये पार्शल प्रेशर कंपोनेंट ए और बी क्या आपका ग्रेटर है ठीक है तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए तो आपका जो ग्राफ है बेटा उसमें क्या चेंज आएगा ये चेंज आ जाएगा देखिए क्या चेंज आएगा ग्रेटर है इसका मतलब क्या हो गया आपका हाई पे आएगा तो ये चीज़ जो ग्राफ है आपका वो हाई पे आ जाएगा आपका ठीक है ये भी किस पे चला जाएगा हाई पे चला जाएगा और ये भी किस पे चला जाएगा हाई पे ठीक है जो डार्क लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है वो आपका किया है पॉजिटिव डेविएशन को ठीक है जो आपके डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है वो हो रहा है आइडियल सोल्यूशन तो यहाँ पे कह देंगे पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी अकॉर्डिंग टू डोल्टन जबकि यहाँ पे क्या पॉइंट बनेगा आपका अब पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एंड जाए बी यहाँ क्या बनेगा पी ए इज इक्वल टू सॉरी इज इक्ल टू नहीं हो सकता आपका क्या होगा ग्रेटर p नॉट a एन जाए ठीक है ये अब जो ग्राफ आपका यहाँ पे प्लॉट किया गया है वो पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट a एंड b जो है वो ग्रेटर है आपका किससे इनके मोल फ्रैक्शन से ठीक है ये हो गया आपका यहाँ पे अब इसी तरह से आप ग्राफ प्लॉट कैसा कर सकते हैं नेगेटिव डेविएशन कर सकते हैं इजीली क्या ग्राफ बनेगा आपके पास देखिएगा सबसे पहले तो बना लेंगे किसके लिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे वेपर प्रेशर और यहाँ पे आपके मोल फ्रैक्शंस ठीक है सबसे पहला जो ग्राफ आप बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए बना लेंगे ठीक है लेकिन अब जो डेविएशन है वो कैसा आपका यानी कंपोनेंट ए और बी के जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या आपके लेस देन है आपके मोल फ्रैक्शन यानी के तो आपका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा डाउनवर्ड ठीक है ये यहाँ पे आपकी मैक्सिमम आ जाएगा और इसका मैक्सिमम आपका ये वाला आ जाएगा ठीक है डाउनवर्ड रिप्रेजेंट किया जाएगा जब आपका कैसा हो नेगेटिव डेविएशन और आपका अपवर्ड रिप्रेजेंट किया जाएगा जब कैसा हो आपका पॉजिटिव डेविएशन तब आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे इसके लिए बन जाएगी हमारे पास में ये पी नॉट बी था तो पी नॉट बी इज लेस देन पी बी इज लेस देन पी नोट बी B। इसमें हमारे पास बन जाएगा पी ए इज लेस देन पी नोट ए जाए ए और ये किसके लिए है पी नोट ए के लिए ठीक है तो ये हमारे पास ग्राफ लोट होंगे यानी ये आपको शो कर रहा है किससे आइडियल सॉल्यूशन से अपने आप को पॉजिटिव डेविएट में शो कर रहा है ठीक है समझ रहे हो जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ कम्पोनेट ए और बी क्या हो गया इन्हीं के मोल फ्रैक्शन से क्या हो गया ग्रेटर देन हो गया जबकि इनमें क्या हो गया लेस देन तो ये आपको नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है अपने आइडियल सॉल्यूशन से आइडियल सॉल्यूशन का एक ग्राफ ये है आपके पास इससे डाउनवर्ड आपके पास में ये पीक ऑप्टेन होगी इसका मतलब ये नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है कि ये अपवर्ड जा रहा है तो इसे पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है दोनों के दोनों आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बिलोंग कर रहे हैं ठीक है एक आपका अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव डेविएशन और एक आपका नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है ठीक है ये दोनों ग्राफ आपके इन दोनों इक्वेशन पे बेस्ड हो गए समझ गए होंगे आप इस बात को ठीक है फटाफट से इसको देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके बाद हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करने वाले हो गया चलिए आगे देखते हैं तो हमने दो पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया यहां पे आईडिया सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव डिविशन में किनमें वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और बी जो है उन्हीं के फ्रैक्शन से क्या होगा ग्रेटर होगा जबकि इसमें क्या होगा लेस होगा एक हमने पढ़ा इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी बी पार्टिकल क्या होगा आपका ग्रेटर देन ए बी से जबकि इसमें लेस देन होगा ठीक है पॉइंट नंबर थ्री जब भी हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे ठीक है तो उनमें जो आपका वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग जो होगा मिक्स करने पे वॉल्यूम में चेंज जो होगा अब हमने पढ़ा ये दोनों टाइप किसके हैं बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन के हैं के. तो नॉन आइडियल का मतलब ये इक्वल टू तो नहीं होगा इक्वल नॉट टू जीरो होगा तो या तो उनसे ग्रेटर होगा या लेस होगा बात जब पॉजिटिव डेविशन की होगी तो आपका ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो ठीक है समझ गए यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा वो कैसा मिलेगा आपको हाई मिलेगा वॉल्यूम चेंज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको हाई मिलेगा समझ रहे हो यानी अगर हम 5 ml एल प्लस फिफ्टी को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो 5 प्लस फिफ्टी कितना होता है आपके पास 55 एक्चुअल वॉल्यूम ये आना चाहिए था अगर ये आ जाता है तो क्या बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन अगर इससे ग्रेटर आ जाए 55.5 आ जाए 4 आ जाए 3 आ जाए तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेवियशन आपके पास आ गया है ठीक है अगर सॉलिड प्लस सॉल्य को मिक्स करने पर आपका वॉल्यूम में चेंज ग्रेटर आ रहा है जीरो से इसका मतलब वॉल्यूम चेंज आपके पास हाई आ रहा है वो आपका पॉजिटिव डेवियशन हो गया और वहीं पे अगर आपका डेल भी मिक्स जो है वो क्या हो जाए लेस देन जीरो ठीक है यानी यहाँ पे वॉल्यूम चेंज जो है वो क्या जाए? हो जाए आपका डिक्रीज हो जाए वॉल्यूम में चेंज जो है वो क्या जाए? हो जाए आपका लो हो जाए ठीक है अगर वॉल्यूम चेंज आपका लो हो जाएगा तो फिर वो आपका नेगेटिव डिविशन आ जाएगा यानी एग्जाम्पल समझिए 5 प्लस फिफ्टी एम से अगर आप बना रहे हैं फिफ्टी फाइव तो ये आइडियल सॉल्यूशन हुआ लेकिन ये रह जाए आपका 54.5 फिफ्टी ही यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम जो बनना था उससे आपके पास कम वॉल्यूम आ जाए तो वो आपका नेगेटिव डेविएशन है और एक्चुअल वॉल्यूम से अगर आपके पास हाई वॉल्यूम चला जाए तो वो आपका पॉजिटिव डेविएशन है पॉइंट नंबर फोर डेल एच यानी चेंज इन एंथेल्पी अगर आपकी ग्रेटर देन ज़ीरो हो ठीक है यानी सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसमें आप सोल्यूट प्लस सॉलमेंट को जब मिक्स कर रहे हैं तो वहां पर आपकी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो क्या हो एब्जॉर्ब यानी प्रोसेस कैसा हो बच्चों एंडोथर्मिक हो जाए तो उस केस में कहेंगे वो आपका पॉजिटिव डेविएशन है और वहीं पे अगर आपका डेलेच मिक्सिंग जो है वो लेस देन जीरो यानी कि हीट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो आपकी इवॉल्ड हो जाए तो उसे हम कह देंगे कि वो आपका हो गया प्रोसेस कैसा एक्सोथर्मिक अगर एक्जो हुआ तो वह आपका नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा ठीक है समझ गए होंगे चारों पांचों पॉइंट्स जो हैं हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पर ठीक है अब दो पॉइंट जो हमने डिस्कस किए वो क्या थे कि अगर आपका वॉल्यूम में चेंज अब अगर आपका एक्चुअल वॉल्यूम से हाई आ जाए तो वो पॉजिटिव डेविएशन है वॉल्यूम में चेंज अगर एक्चुअल वॉल्यूम से कम आ जाए तो वो आपका नेगेटिव डेविएशन है ठीक है सॉलिड प्लस सॉलिड को तो मिक्स करने पर अगर वो आपकी सराउंडिंग एनर्जी को एब्बॉर्ब करता है यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो वो आपका पॉजिटिव डेविएशन है अगर हीट वहाँ पे आपकी इवोल्ड होती है तो आपका नेगेटिव डेविएशन होगा ठीक है तो ये डिफरेंस रहेंगे आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के बीच ठीक है एग्जाम्पल्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ इसके देख लीजिएगा ठीक है इस पर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे कि एसिटोन प्लस क्लोरोफोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन सॉरी नेगेटिव डेविएशन ठीक है ठीक है वाटर प्लस एल्कोहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन ठीक है क्लोरोफोम प्लस सॉरी एसिडोन प्लस एनिलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन इस तरह के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं ठीक है आप एन की बुक्स में जाएं वहां पर आपको थ्री टू फोर फाइव एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं उनको देखिए उन पर डिस्कस कीजिए उनको समझिए कि ये आपके नेगेटिव डिविएशन में आएगा या फिर पॉजिटिव डिवीशन में आएगा ठीक है इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको वर्कशीट अवेलेबल करवा दूंगा चलिए तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविशन कंप्लीट हो जाता है इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं जो है आपका एजियोट्रॉप मिक्सचर इसकी डेफिनेशन कई बार आपसे वन मार्क्स में पूछ लेते हैं एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होता है ये ठीक है तो देखिए फटाफट से सच टाइप ऑफ बाइनरी मिक्सचर बाइनरी मिक्सर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जिसमें हम केवल दो ही कंपोनेंट को यूज करेंगे एक तो सोल्यूट होगा और एक आपका सॉल्वेंट होगा बाइनरी समझा हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन के बाइनरी का मतलब कंपोनेंट्स कितने आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं बाई का मतलब यहाँ पे टू कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं टर्नरी का मतलब थ्री क्वाटरनरी का मतलब फोर इस तरह से तो सच टाइप ऑफ बाइनरी मिक्सर विच है सेम कॉम्पोजिशन जिनका कॉम्पोजिशन जो होता है कॉम्पोजिट का मतलब मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स ठीक है कॉम्पोजिशन जो होगा वो होगा सेम इन लिक्विड स्टेट एज वेल इन वेपर ऐसे बाइनरी सोल्यूशन जिनमें आपका लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट दोनों में ही उनका कॉम्पोजिशन कैसा हो बच्चों सेम हो एंड इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है बॉयल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल होते हो ऐसे कोई भी टू कंपोनेंट का मिक्सचर जो आपका सेम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हो यानी कि बॉयिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस ना हो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे एज मिक्सचर ये भी बच्चों दो टाइप का होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ठीक है और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ठीक है हमने बताया कि एजोट्रॉप मिक्सचर क्या होगा एजोट्रॉप मिक्सचर वो होगा हो हो, बाइनरी मिक्सचर होगा हो हो, जिसमें आपका लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट दोनों में ही कॉम्पोजिशन कैसा होता है सेम होता है और दोनों ही कंपोनेंट जो होंगे वो आपके सेम यानी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं ठीक है पे बॉयल होता पॉइंट कॉन्सेंट हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे मिक्सचर बोलेंगे ये दो टाइप के होंगे तो मिनिमम बॉइलिंग इसका मतलब वहां पे एजियोट्रॉप मिक्सचर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा लो एज वन ऑफ देम प्योर कंपोनेंट समझाता हूं इसको मैं ये क्या चीज है हमने कहा कि हमने कोई एक एजेट्रॉप मिक्स किया जिसके अंदर क्या है बाइनरी मिक्सर है कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है फॉर एन एग्जांपल ले लीजिए आप फटाफट से इसमें ले लीजिए मिनिमम में आपका पॉजिटिव यानी कि वाटर प्लस एल्कोहल एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया मान लीजिए वाटर का अपना एक क्या है बॉइलिंग पॉइंट है और एल्कोहल का अपना एक क्या है बॉइलिंग पॉइंट है ठीक है अगर हम इनको प्योर सब्सटेंस कर दें मिक्स नहीं कर रहे उससे पहले के मान लीजिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है मान लीजिए इसका हंड्रेड है इसका वन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस है ठीक है अब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास क्या बना मिनिमम बॉइलिंग एज्रॉप बना यानी कि मिक्स करने के बाद में जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने के बाद में हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट समझ रहे हो हमने कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी को मिक्स किया क्या बनाया सॉल्यूशन बनाया अब जो हमारे पास सोल्यूशन बना यानी कि जो हमारे पास एज ए मिक्सर बना उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा लो होगा किन के बॉलिंग पॉइंट से या तो इसके या इसके दोनों में से किसी भी एक के बॉइलिंग पॉइंट से इसका बॉलिंग पॉइंट क्या हो जाए लो होगा तो इसे हम कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एज समझ रहे हो कोई भी दो कंपोनेंट जिनको हमने लिया मिक्स किया उससे क्या बनाया सॉल्यूशन तो बनने वाले सॉल्यूशन का अगर बॉइलिंग पॉइंट इन कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से लो होता है तो वो कहलाएगा मिनिमम और ये मिनिमम कौन बनाते हैं बच्चों जो आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं क्या करते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं यानी कि एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल परफेक्ट लिया है वाटर प्लस एल्कोहल का ठीक है समझ गए जितने भी पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले एग्जाम्पल्स होंगे वो सब के सब क्या बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप बनाते हैं अब बात जब अगर आप पकड़ करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोड्रॉप की तो यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस हो जाएगा यानी वो एजेड्रॉप मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हाई होगा किनसे हाई देन दियर कंपोनेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हाई देन दियर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाई देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ठीक है क्या कहा हमने इसमें यह कहा कि मान लीजिए कंपोनेंट ए प्लस बी को हमने मिक्स किया और हमने क्या बनाया सॉल्यूशन बनाया अगर बनने वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका हाई होता है किससे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए या बी से तो इस तरह के जो मिक्सर हमारे पास बना है वो कहलाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप समझ में गया बहुत आसान सा है कि दो कंपोनेंट को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर लो हुआ इन दोनों से तो वो है मिनिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप और मिनिमम कौन बनाता है जो पॉजिटिव डिविशन शो करता है अपोजिट ठीक है मैक्सिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप कोई भी टू कंपोनेंट जिनको मिक्स करने पे क्या बना एज्रॉप मिक्सर बना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए हाई इन कंपोनेंट से तो वो कैसा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजेड्रोप है ठीक है और मैक्सिमम बॉइलिंग करेगा बच्चों प्लस क्लोरोन हो सकता है एसेटोन प्लस एनिलीन हो सकता है ऐसे बहुत सारे आपके पास बन जाते हैं ठीक है थीके? तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही अपना जो टॉपिक है आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल के बीच डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव uh, जो आपके डेविएशन उनके बीच डिफरेंस एज एट्रॉप मिक्सर की डेफिनेशन और उसके दोनों टाइप्स विद एग्जाम्पल इतना हमें कवर कर लेना है आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में ठीक है इनके एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व कर लेने हैं एन सी बुक से और उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन आपको डी में देंगे वो डी आपको अवेलेबल होगी टेलीग्राम ऐप पर ठीक है मैंने आपसे कहा था टेलीग्राम ऐप पर हमारा एक चैनल है संस्कार एजुकेशन हब हाँ के नाम से उसे सर्च कीजिए ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस पेपर जो है वो मिल जाएगा इस टॉपिक पे बेस्ड आपको ठीक है और उसके बाद आप उसे वहाँ से प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं ठीक है बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही अगले लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ओके बच्चों थैंक यू